हाँ गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारे साथ फिर से चलो माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आप लोगों को याद ही हो, जो मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में माइनक्राफ्ट खेली थी, तो उसके अंदर मानी दोस्त ना थे जो आपके आपको दिख ही रहे होंगे। इनका ना बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि जब भी मेरे को अपने घर में आना होता था तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। उनको अपने बार बार घर की जो दीवार थी वो तोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो, वैसे एक बात तो अच्छी हो गई यहाँ पर, लेकिन मेरे को अभी और भी अपने घर को मॉडिफाई करना होगा, जो कि मैं अभी नहीं करूँगा। मैं आज फार्मिंग फुजात को कुछ करने वाला हूँ, तो एक बकेट जो थी मेरे पास मैं यहाँ रख देता हूँ, और पिक्स वगैरह को या फिर ऐसा जो मेरे पास एक्स्ट्रा है उसे रख देता हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे पास दो डोर जो थे वो एक्स्ट्रा बन गए थे, इन्हें मैं स्टोक रहा देता हूँ। और इस आयरन इनगॉट को भी मैं यहाँ स्टोक रहा देता हूँ। यहाँ पर ये बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास, नहीं थोड़ा बहुत डर्ट तो अपने पास रहने देता हूँ, और ये थोड़ा 10 डर्ट और है उसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये कुछ अलग सा लग रहा है 10 वाल डर्ट, इसलिए मैं इसे अपने चेस्ट में रख देता हूँ। 64 वाले को यहाँ ले लेता हूँ और 27 वाले को यहाँ रख देता हूँ। तो मैं वुडन प्लैंक्स को यहाँ रखता हूँ, स्टिक्स को। तो मेरे पास सीड्स तो रहने ही चाहिए, क्योंकि मैं फार्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं पानी नहीं जा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर मैं आवाज़ कम करता हूँ, आपको अच्छे सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आवाज़ पूरी बंद कर दी है। सबसे पहले तो मेरे को ये देखना होगा कोई है तो नहीं यहाँ पे, वरना मैं बेकार में मार जाऊँगा, मैं सास मान भी चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, वैसे मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं। वो क्रीपर है, लेकिन वो पानी में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिलहाल। वो चूँ यहाँ पानी तो मेरे बिल्कुल पास में ही है, लेकिन मैं वहाँ से पानी लेने जाऊँगा। मेरे को याद है कि मेरे यहीं पर था पानी, मैंने इसके ऊपर कुछ ढक दिया था, मेरे को याद है। हाँ सही था, मैंने इसके ऊपर ढक दिया था ये। चलो यहाँ पे पानी ले लिया, यहाँ पे ऐसा लग रहा है अनलिमिटेड वाटर है, तो चलो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। अब मैं ऐसे यहाँ से कवर कर देता हूँ अपने डर्ट जो थे, मैं उन्हें यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा मैं दूसरा डर्ट। चलो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को सीड्स कलेक्ट करने होंगे, और सीड्स कलेक्ट करने के लिए ये जो पौधे हो गए यहाँ पे, इन्हें काटना होगा। पर उसमें क्या है कि कुछ इसी में ही मिलते हैं, हमें सब में नहीं मिलते, सब में मिलते होते तो फिर तो बहुत ही आराम से हो जाता मेरा काम, लेकिन हमें ये किसी किसी में ही मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं काट लेता हूँ। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से काट दिए मैं, लेकिन उनको सिर्फ एक सीड मिला अभी जाके उनमें से। तो चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपना वर्क, लेकिन यहाँ छोटे छोटे काटने से मेरे को लगता है फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होता है वैसे, लेकिन बड़े काटने से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बड़े वाले पे मैं साफ फोकस करता हूँ। देखो ये रहा बड़ा, एक सीड में गुस्से मिल गया, इससे देखता हूँ लगता है उनको कोई फ़र्क नहीं होता छोटे बड़े में। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो काटने से आ रही है। कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ ऐसे काट रहा हूँ, यहाँ पीछे से यहाँ डर्ट कटने लग जाता है, इसमें कुछ बात का बड़ा ध्यान रखना होगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डर्ट भी कट जाएगा तो वैसे तो मैं डर्ट छोड़ो, हाथ से ही काटता हूँ इन्हें। वहाँ मेरे को सीड्स बहुत कम मिले अब तक। वैसे मेरे पास कितने सीड्स हैं एक बार देखता हूँ, मेरे पास 8 सीड्स हैं, कम से कम 15-20 तो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कितने काट पाता हूँ। छोटे छोटे काटने से फ़ायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी काट के देखता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 18 सीड्स हो गए हैं। तो चलो मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने एरिया को कवर कर देता हूँ, क्या पता कौन कब आके मेरा खेत ख़राब कर जाए, इसलिए मैं सबसे पहले तो उसे कवर कर देता हूँ। मैं डबल डबल वॉल करूँगा एक, तो चाहे कोई भी आना पाए अंदर। वैसे आ तो सकते हैं अभी भी दीवार टाप के, नहीं दीवार टाप के नहीं आ सकते। जैसे मैं फटाफट से यहाँ से हटा देता हूँ। चलो इस पर घास उगने की टेंशन नहीं है, वो अपने आप ही थोड़े टाइम में उग जाएगी, बारिश वगैरह भी होती रहती है। तो एक यहाँ से मैं कर देता हूँ उसे। जितना बड़ा फार्म होएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जितना बड़ा फार्म होएगा उतना ज़्यादा हमारे पास उग पाएंगा वीट, जिससे हम अपने आप फार्म में जो है एनिमल्स को भी लेके आ सकेंगे फिर। तो करता हूँ, एक तो मैं यहाँ से खोद देता हूँ, और यहाँ तो पानी है अभी, रुको करता हूँ मैं, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर ना हो बस। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे करता हूँ मैं, इसमें यहाँ डर्ट लगाता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने डर्ट लगा दिया है, और सब यहाँ पे मैं तोड़ता चला जाता हूँ आगे। इनमें मैं पानी भर दूंगा इसके अंदर, मैं इसे अच्छा मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स का इस साइड में बना लूँगा, वो बढ़िया रहेगा बल्कि ज़्यादा। तो यहाँ पर चलो मैंने काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया, अभी इनमें पानी डाल के देखता हूँ मैं कितना भरेगा। यहाँ तो बहुत ही कम भरा है, यहाँ तो मेरे को और लेना पड़ेगा अभी। अच्छा तो मैं डर्ट खोद देता हूँ, रुको अभी मैं उसके ऊपर खड़ा था, अगर मैं खोदता ऐसे तो गिर जाता। यहाँ से ऐसे करता हूँ मैं, फटाफट से पानी भरता रहता हूँ और उसमें डालता रहता हूँ, मेरे को और जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
एक और बार देखो, यहाँ पे जितना भर रहा हूँ मैं वापस आए जा रहे हो, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें। यहाँ पे क्योंकि ये जो है पानी जो है रिवर से कनेक्टेड है, पूरा पूरा आपको इक्वल करना होगा इससे। पर एक बात का और ध्यान रखना है कि बाहर ना निकल जाएगा ये पानी, क्योंकि पूरा इक्वल रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा ये फार्म। तो चलो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पूरा पूरा इक्वल हो गया। और एक टूल आते वुडन हुए, जो कि मैंने आपको बताया ही था लास्ट टाइम, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले वो लेके आना पड़ेगा। मैंने उसे अपने चेस्ट में स्टोर कराया हुआ है, तो चलो मैं उसे फटाफट से लेके आता हूँ। क्या ये है क्या वुडन हुए? नहीं ये तो एक्स है, तो एक्स का कोई काम नहीं है अभी। एक्स को मैं करता हूँ, मैं चेस्ट में रख देता हूँ, इसमें क्लोज करता हूँ। और यहाँ पर मेरा वुडन हुए कहाँ गया फिर? पता नहीं था तो मेरा, लगता है मेरा कहीं गिर गया होगा रास्ते में। हाँ शायद हो सकता है मैं रास्ते में गिर गया हूँ, तो ऐसे करते मैं फटाफट से उसे बना देता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ वुडन होए, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं सर्च। जो यहाँ पे आ गया मेरा वुडन होए, तो इसलिए मेरे को अभी नहीं बन सकता, अभी मेरे को पहले क्राफ्टिंग टेबल में जाना पड़ेगा। सिर्फ पहले मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ एक, तो और थोड़ी बहुत स्टिक्स जो है मैं यहाँ ले लेता हूँ, और अब बन जाएगा मेरा यहाँ वुडन होए। यहाँ पे दो बन जाएंगे अभी तो, लेकिन मेरे को एक ही चाहिए। माना अभी यहाँ पे अभी रात होने वाली है सर, तो मैं फटाफट से पहले सो जाता हूँ थोड़े से दूर आई बेड। अब यहाँ रात कितनी करेंगे, अंधेरा तो हो गया भाई। देखो एक बार फिर से सो के देखता हूँ, चलो यहाँ थोड़ी देर वेट कर देखता हूँ। चलो यहाँ पे वैसे आपको कैसा लग रहा है फार्म यहाँ पे मेरा, कमेंट में कर जरूर आएगा जब मेरा बनेगा। तो यहाँ पर वैसे मैं छोटा अभी रूम काफ़ी, बहुत ही बढ़िया बनाऊँगा अभी तो इसे। तो चलो यहाँ पर मैं सो चुका हूँ, जो यहाँ नेक्स्ट डे होने का वेट करते हैं। जो बेड का फ़ायदा तो होता है, जल्दी से नेक्स्ट डे हो जाता है। अच्छा मैं पहले ही सो गया था, और मैं अभी भी थोड़ा सा अंधेरा तो है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से पा नहीं पाएंगे वो, तो टाइम लगता भी है सुबह होने में। तो अच्छा हुआ मैं पहले ही सो गया था। एक तो अगर मैं पहले ना सोता, बाद में सोता, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती मेरे को, क्योंकि जब सब बाहर आ गए होता और जलने में भी उन्हें थोड़ा बहुत टाइम लगता। तो इसलिए यहाँ पर वुडन हो ये रहा मेरा, इससे मैं मिट्टी को खोद देता हूँ। अगर मैं सिंपल मिट्टी पे से लगाता तो ये लग नहीं पाते। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर सीड लिया और सिंपल मिट्टी पर डाल रहा हूँ, वो नहीं लग रहे, वो सिर्फ और सिर्फ गीली मिट्टी पे ही लगते हैं। तो अच्छा वो वैसे मैं आयरन पिक ला कर मैंने अपने लिए बना लिया था ये बकेट, वरना मैं बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाता है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे गीली मिट्टी होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हो। और अगर बारिश हो जाए तो फिर तो और भी अच्छा हमारे फार्म के लिए। तो चलो ऐसे करता हूँ, यहाँ पे पानी तो है ही, मैं फटाफट से बकेट में पानी भर लेता हूँ और एक इस वाले एरिया को खोद देता हूँ। रुको ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ का एरिया खोदता हूँ और फिर से ही रहेगा, दोनों तरफ से पानी आएगा। फिर थोड़ा सा मैं उस पर खड़ा सा इसलिए अभी दूर हो गया हूँ, क्योंकि अब मैं पानी में गिर जाता फिर मेरे को मुश्किल हो जाती। तो चलो यहाँ के एरिया में पानी भर देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पानी नहीं है मेरे को, यहाँ पे पानी होएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक तो मैं पानी तो मैंने बकेट में कलेक्ट किया हुआ है, एक तो मैं इस पर डॉट लगाता हूँ। तो यहाँ पे अब हो गया मेरा काम, अब मैं पीछे हो जाता हूँ और इस पर लगा देता हूँ ये। वैसे मेरे को एक प्रॉब्लम है, कहीं यहाँ पे ऐसा ना हो कि पानी कलेक्ट ही ना कर पाऊँ मैं। यहाँ पे पहले मेरे को खोद के देखना पड़ेगा, पानी तो है ना यहाँ। हाँ तो यहाँ पे पानी काफ़ी सारा है, यहाँ पे मैं और डाल देता हूँ। जब तक मैं यहाँ पे लेवल पानी का लेवल जो है इक्वल नहीं कर देता, जब तक मैं यहाँ पानी डालता रहूँगा, फिर अच्छी भी लगेगी उसकी शेप। लेकिन मेरे को ये ध्यान रखना पानी बाहर ना निकल जाए, तो यार पानी बाहर निकल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, फिर बार बार करना पड़ता है उसमें बहुत काम। तो यहाँ पे बस यहाँ लास्ट बकेट है मेरे ख्याल से ये, नहीं थोड़ा सा और सही होगा मेरे को अभी पानी इक्वल करने के लिए लेवल। तो पानी वान कलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरी पूरी शेप जो इक्वल हो गई है। तो उनको एक चीज़ अभी भी सताई जा रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या पूरी मिट्टी अभी गीली नहीं हुई है, जबकि दोनों साइड से पानी है। पता नहीं इसका अभी क्या चक्कर है, पर कोई बात नहीं, एक बार मैं ऐसे खोदता हूँ। यहाँ चारों तरफ पानी है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैं इस वाली पूरी लेन को खोद देता हूँ, फिर देखता हूँ एक बार पूरी में है क्या पानी या फिर नहीं। अच्छा ये तो आता रहेगा, पानी फैल गया यहाँ पे तो पानी। तो चढ़ता हूँ मैं इसके, यहाँ पे डर्ट लगाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि पानी यहाँ पे भी है या नहीं। और फिर तो मैं ऐसे एक बार यहाँ करता हूँ, और थोड़ा सा पानी ऐसे करता हूँ मैं लेके आता हूँ ओशन से।
कि यहाँ पर बहुत देर से मैं पानी लिए जा रहा हूँ कि आप तो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, इसलिए मेरे को यहाँ पे पानी लेने आना ही पड़ा। पर मेरे को एक चीज़ का डाउट है यहाँ पे कि ओशन का जो वैसे ही रिवर है, ओशन की कुछ बात नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर मैं ओशन का पानी लाऊंगा तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी, कि ओशन का पानी जो होता है सॉल्ट ही होता है, जो मेरे लिए प्लांट्स मेरे हिसाब से प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। वैसे अच्छा वो नदी है मेरे घर के पास ही, जिससे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये रहा मेरा वुडन होल, मैं मिट्टी को खोद देता हूँ यहाँ से। वैसे अच्छा है ये टूल तो बहुत ही काम आ जाते हैं जब सीड्स लगाने होते हैं हमें, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल अभी सीड्स तो बहुत ही कम बचे हैं, तो सीड्स का भी मेरे को कैसे इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। तो वापस मैं अभी सीड्स काट लेने जाता हूँ। सीड्स काटने के लिए हमें बीज को काटना पड़ता है, बीज जो होती है अपने आप ही उग जाते हैं बिना उगाए बिना कहीं लगाए। तो यहाँ पर मेरी सारी की सारी मिट्टी तो अभी गीली नहीं हुई, यहाँ पर तो अभी एक भी ब्लॉक नहीं हुआ उसके गीला। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी वो यहाँ पर मेरे पास सीड्स ही ख़त्म हो गए। चलो देखते हो यहाँ पे थोड़े बहुत मिल जाए, तो एक लाइन तो पूरी हो ही जानी चाहिए आज मेरी। एक लाइन तो हो गई है, जो मेरी लाइन अभी चल रही है वो हो जाए कंप्लीट, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं काट के देखता हूँ कितने सारे बीज काट चुका हूँ। वैसे मैं पूरा पूरा खेत या साफ कर दूंगा माइनक्राफ्ट का। तो चलो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारा सैंड भी है, जिससे मैं सैंड से सैंड स्टोन बनाऊंगा और फिर उसकी वॉल। तो चलो एक शीट मेरे को यहाँ मिल गया। यहाँ पे काफ़ी सारे फूल भी है, फिर मेरे को अभी फूल की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं फूल अभी कलेक्ट नहीं करूँगा। कितने सारे मान काट चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अब तक मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड मिला है। जो मेरे पास दो सीड हो गए यहाँ पे, चलो उनको वैसे वहाँ पे दो तीन ही चाहिए, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तीन सीड तो हो जानी चाहिए। वैसे रास्ते में अभी जितने आएंगे मैं काटूँगा उन्हें और देखता हूँ फिर मेरे अभी पूरे हुए या नहीं। यहाँ पर वैसे काफ़ी सारे वीड्स है, तो इन्हें भी काट देता हूँ मैं। जो मेरे पास यहाँ तीन वीड्स हो गए, तीन सीड्स हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं फटाफट से इन्हें लेके चलता हूँ अपने वाले खेत में और वहाँ पे इन्हें फटाफट से बो देता हूँ, वरना वो लैंड अपने आप थोड़ी देर में वैसी सी हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इस ब्लॉक की मिट्टी गीली होनी भी शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा जो है काम पूरा हो ही गया। और यहाँ पर फटाफट से ऐसे करता हूँ, मैं मिट्टी तो खोद ही देता हूँ, उनमें पानी तो मैं भर ही दूंगा, अच्छा भी लगेगा फिर मेरा फार्म, और फिर मैं यहाँ पर अपनी खेती भी कर लूँगा आराम से। वहाँ पर मैं ऐसे काटता हूँ और यहाँ पे मैं फटाफट से नदी में जाता हूँ और पानी लेके आता हूँ। और पानी तो वैसे मेरे में भरा हुआ है अभी बकेट में, तो अच्छा हुआ एक तो मेरे घर के पास रिवर है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया मेरे को इसका, यहीं से पानी भी भर जाता है इसमें। वैसे नदी में पानी ख़त्म तो होने नहीं वाला एक एक बाल्टी से, तो यहाँ पर हमको कहीं और पानी ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम बार बार यहाँ जाओ और वहाँ बार आओ। उससे अच्छा मैं एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लूँगा, लेकिन मेरे को अभी पता नहीं है उसे कैसे बनाते हैं, बहुत जल्द मैं उसे भी बना लूँगा। और एक तो मेरा एक काम और रहता है कि मेरे को अपने पूरे के पूरे फार्म को कवर करना होगा, वरना यहाँ पे जो गाय भैंस है वो सब आके मेरे खेत को ख़राब कर जाएंगी, क्योंकि उन्हें वीट बहुत पसंद होता है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एक बाल्टी पानी बस और चाहिए होगा, फिर मेरा काम पूरा पूरा ख़त्म हो गया है फार्मिंग का, तो बस उसे फिर कवर करना रह जाएगा। नहीं मेरे को अभी एक दो बाल्टी और चाहिए होगा पानी, क्योंकि मेरा अभी पूरा अच्छे से शेप में नहीं है वो। जब तक मैं ऐसे अच्छे शेप नहीं दे सकता मेरा यहाँ विलेज अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बस मेरा हो ही गया ऑलमोस्ट काम, और यहाँ पे दोपहर भी लगभग हो ही गई है, तो मेरे को फटाफट से अपने घर में जाना होगा। और एक तो मैं यहाँ डर्ट से पूरा पूरा काम करके चल जाता हूँ। वैसे आ तो भी सकते हैं कोई टाप की दीवार, क्योंकि एक एक ब्लॉक की है दीवार, तो मेरे को थोड़ा और ऊँचा उसे करना पड़ेगा। और ऐसा करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लगाऊँगा अभी सीड्स। यहाँ पर मेरे पास डर्ट की तो अभी फ़िलहाल कोई कमी है नहीं, कि डर्ट तो मैं जब खोद रहा था मिट्टी यहाँ इस पहाड़ की, तो फिर बहुत ज़्यादा मेरे पास कलेक्ट हो गई थी। और एक तो मैं ऐसे खोदूँ यहाँ पर आगे बेकार में, जो डर्ट भी ऐसे वहाँ मेरे कलेक्ट हो जाएंगे, और जिससे मैं अपने घर की दीवार बना लूँगा ऊँची। यहाँ पर चलो ये हो गया ऑलमोस्ट, ये बड़ा टाइम लेता है मेरे ख्याल से, इसलिए एक टूल आता है शॉवल, जिसके बारे में मुझे अभी पता नहीं था, लेकिन मैं बना लूँगा उसे। स्टोन का बनाऊँगा, कि स्टोन मेरे पास काफ़ी सारा है जिसका भी कोई यूज़ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं बनाऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ स्टोन का। तो यहाँ पर बस मेरे को एक डर है यहाँ पर रात ना हो जाए, कि रात हो जाए कि अगर यहाँ पर तो कोई भी आ सकते है बड़ी साइंस से। तो मेरे यहाँ पर लगभग काम जो है पूरा होने वाला है, डर्ट यहाँ पर गलत से गलत लग गया होगा मुझसे। चलो छोड़ो, अभी मैं फटाफट से यहाँ पर यहाँ की दीवार ऊँची कर देता हूँ, ताकि कोई आ ना पाए। यहाँ पर टाइम तो वैसे काफ़ी जाएगा इसमें, पर अपने खेत के लिए थोड़ा बहुत तो मेरे को काम करना ही पड़ेगा। यहाँ खाली ऐसे भी भर देता हूँ। और यहाँ पर जो इसकी लैंड है बाहर की,
उसे मुझे कुछ ठीक करना पड़ेगा बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैं खोद रहा हूँ तो मेरे को ऐसे यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि कोई भी इसमें ना घुस पाए, क्योंकि यहाँ पे एक एक ब्लॉक की है बाहर से, फिर तो बाहर की साइड से कोई भी घुस सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर फटाफट से मैं ऐसे यहाँ पर हटा देता हूँ। तो यहाँ पर लगभग दिन ख़त्म ही होने वाला है, तो मेरे को यहाँ पे काम जल्दी करना होगा अपना। और एक ये जगह भी है, इन्हें भी मेरे को तोड़ना होगा। और एक यहाँ पर इसे, वरना कोई भी मेरे घर में बहुत ही आसानी से घुस जाएगा। और एक यहाँ पर, तो हो गया मेरा काम। और इसे भी मैं एक तो बंद कर देता हूँ। तो चलो, ओ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी जो वीट है, हाँ ऑलमोस्ट उगी गई है। तो इस करता हूँ यहाँ पे मैं, जब तक वुडन हो इसे एक और कर देता हूँ। सीड्स मैं बाद में भी ले आऊँगा। तो इसे मैं यहाँ पे मिट्टी खोद दिया पूरा अच्छे से। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 रो जो है पूरी पूरी मिट्टी की हो गई है। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है मेरा फार्म अब काफ़ी ज़्यादा। और एक तो यहाँ पर मैं अपने डर्ट्स लगा देता हूँ। अब तो यहाँ पर शाम हो गई, अब तो मैं पक्का कंफर्म हूँ यहाँ पर रात होने वाली है और कोई ना कोई आ ही जाएगा मेरे इस फार्म में। तो एक तो उनको गाय बकरी वगैरह से अपने फार्म को काफ़ी ज़्यादा बचाना होगा, क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है और इन्हीं से हम उन्हें अपने फार्म में ला सकते हैं। लेकिन वो आ सकती है अभी भी, क्योंकि वो दीवार को टाप सकती है अगर एक ही ब्लॉक की हो। तो इसलिए मैं ऐसे पूरा पूरा कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को यहाँ काम बहुत ही जल्दी करना होगा अब अपना। थोड़ा टाइम से मैं अपने घर में चल जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने घर में आ गया हूँ। अब मैं अपने इस रूम में चल जाता हूँ। वैसे कॉबल स्टोन की दीवार मेरे को अच्छी लग रही है, जो ये मैचिंग नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे कभी और देखूंगा। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।